नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओलेफोन आर्मर 17 प्रो वर्सेस इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में 6.8 इंच जबकि जीरो अल्ट्रा में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि ओलेफोन आर्मर 17 प्रो से कम है। विड्थ की बात करें तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में 3.17 इंच जबकि जीरो अल्ट्रा में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि ओलेफोन आर्मर 17 प्रो से कम है। बात करें थिकनेस की तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में 0.49 इंच जबकि जीरो अल्ट्रा में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में 290 ग्राम जबकि जीरो अल्ट्रा में 213 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में IPS LCD जबकि जीरो अल्ट्रा में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में 6.58 इंचेस जबकि जीरो अल्ट्रा में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में 1080x2408 और जीरो अल्ट्रा में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में 75.28% जबकि जीरो अल्ट्रा में 90.54% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि जीरो अल्ट्रा में 387 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में नाइट विजन कैमरा देखने को मिलता है। और जीरो अल्ट्रा की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और जीरो अल्ट्रा की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और जीरो अल्ट्रा में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में माली G57MC2 जबकि जीरो अल्ट्रा में माली G68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में MediaTek Helio G99 और जीरो अल्ट्रा में MediaTek Dimensity 920MT6877T मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में अप टू 2TB जबकि जीरो अल्ट्रा में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में 5380 mAh जबकि जीरो अल्ट्रा में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो ओलेफोन आर्मर 17 प्रो में 1 कलर्स जबकि जीरो अल्ट्रा में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
ओलेफोन आर्मर 17 प्रो 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 44,000 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें जीरो अल्ट्रा की तो वो 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में जीरो अल्ट्रा आगे है, मेन कैमरा में जीरो अल्ट्रा आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में जीरो अल्ट्रा आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT2 Pro 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M53 5G है, तीसरा Google Pixel 7 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi K50i 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।